शिव गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिएगा, महादेव स्वीकार कर लीजिएगा। साथ में रहने वाली माता पार्वती जी के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिएगा। हे माँ स्वीकार कर लीजिएगा। माता जिस धरती माता पे मैं चर्चा सुनाते हूँ, धरती माँ के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिएगा। हे धरती माँ स्वीकार कर लीजिएगा। साहेब मनिंदर भैया लीलम दीदी के भी चरणों में प्रणाम करती, मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिए। जितना ही गुरु भाई हो, गुरु बना हो, छोटे बड़े सभी को चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिएगा। हरिंदर भैया ने 3 सूत बता दिए हैं दीदी जी। पहला सूत में दया मांगना है, जे हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए हे महादेव, दया कर दीजिए महादेव। दूसरा सूत में माँ बहन के बताना है, जे हे माँ बहन जेना हम शिव के गुरु मान लिए तेना आप भी मान लीजिए, शिव बहुत दयालु है, देवो के देव संसार के देव है, जगत के गुरु है, जगत की मालिक है। तीसरा सूत में 108 में नमः शिवा को जप करना है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान न की जय। देखिए भैया जब से हम महादेव के चरण पकड़े तब से हम बहुत सुखित में हैं। हम नहरों के गरीब है, ससुरार के भी गरीब है भैया, मगर महादेव की दया से राजा रानी के लेखा जे जे मांगे महादेव से दिए। मगर एक दिन के समय था जे हमको देखिए जे जब हम शुरू में चर्चा महादेव के शुरू में चर्चा किए तो हमको कितना विपत पड़ा, जे हमको पति भी रोकते थे, हमको सासू माँ भी रोकते थे, हमको देवर देवरानी जेठानी सब रोकते थे, गांव समाज भी कहते थे चल दिए आप चर्चा में ताली बजाने। मगर महादेव की दया से जब आते थे घर पर तो पति हमको बहुत बोलते थे, गाड़ी भात भी देते हैं, मगर महादेव की दया से 3 सूत के अध्ययन से महादेव मेरा माँ सरस्वती के देन से हम हमेशा के लिए, एक दिन बोले पति के जो ठीक है आप गाड़ी देते हैं ना, मगर गांव में पता लगा लीजिएगा जो छित्रौली भर में कहीं चर्चा है, उनको से हाथ मिला दिए पति से, पति स्वर्ग में चल गए। मगर हे महादेव हम झूठ नहीं बोलते हैं, महादेव की दया से उनको से हाथ मिला दिलिए, जो गाँव में जो छित्रौली में पता लगा लीजिएगा जो कहीं चर्चा है, तहिया हमको करिएगा क्या जे हमको गर्दन काट के आप घर में ताला मार के रख दीजिएगा, तब भी हम चर्चे में रहेंगे, हमेशा के लिए हम चर्चे में रहेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता है। मगर इतना बात से हमको पति ने गम में लगे। कुछ दिन के बाद ने हमको बेटी के 1 निया पैसा नहीं था, 5 निया नहीं पैसा था, मगर महादेव की दया से हमको बेटी के कुटुम आ गया 2 गोटा से हमको भैया लेकर। जब भैया आया ना तो उनको लड़का के तो हम पैसा नहीं चढ़ाए थे, गौड़ा के नहीं चढ़ाए तो हमको गौरी के कैसे चढ़ा देगा, मगर देख लिया हमको लड़की को अब पसंद करके, एगो 1 महीना के डेट पड़ा, एगो 10 दिन के आ एगो 2 महीना खेप गए जे दिन, मगर 10 दिन वाला जबरदस्ती लड़का वाले बोलते हैं जे तुम दिन ले लो, तो हम बोले जे भैया हमको अखनी पैसा वैसा नहीं है, आप बताते हैं भैया जो शादी करने के लिए हमको एको पैसा नहीं है, मगर भैया बोला जे जाने दीजिए आगे पीछे देते रहिएगा और शादी कर लीजिए लड़की के। मगर कुटुम्ब को तो हम धोती उती पहना के विदा कर दिए, मगर महादेव की दया से हमको पति लगाते थे नहीं, सासू माँ भी नहीं लगाते थे, हम बहुत गरीबनी थे, मगर महादेव की दया से पति को बिहान होकर हमको पति के हाथ से लोटा नहीं उठता था, हम बहुत बेचैन हो गए, 1 निया पैसा नहीं था, बेचैन हो गए तो गए हम अपना अरुण डॉक्टर कने, तो बोले उनको जे बउआ चलिए ना हमको उनको बहुत परेशानी है से चलिए ना देखिए ना, कितनों लोटा उठाते थे लोटे नहीं उठता था। हम कहें जे हे महादेव 10 दिन के हमको बेटी के दिन पड़ गया आ हम कैसे शादी ब्याह करेंगे, ठीक है आया जब देखे तो सुइया दिया डॉक्टर साहब तो हमको पास में 5 निया पैसा नहीं था, मगर महादेव की दया से उनको कहे जे बउआ थोड़ा देर में हम पैसा दे जाएंगे तो वो बोला कि अरुण डॉक्टर जे ठीक है जाइए भाभी आप जाइए जब आए ना तो उसे नहीं ठीक हुआ तो सब अगल बगल के आते थे तो सुइया दे बछू ही जाइए ना दोसर डॉक्टर कने वहाँ ठीक हो जाएगा। हम बाले बच्चे बैठ के रोते थे ये महादेव 10 दिन के दिन पड़ गया हमको बेटी के कैसे शादी होगा, महादेव नहीं आए
एक चमेटा बुझाए जब मार दिए। हम गए जहाँ पूजा करते थे आसन लगा कर, तहाँ पर गए उनको से दया मांग के भभूत उठा के आ उनको पति के हम लगा दिए हाथ में आ कहते हैं जे आपको लोटा उठ जाएगा, आपको हाथ अब ठीक हो गया, अब देखिए। तो हम अपना लड़की को बोलते हैं कविता से लाओ तो फुली लोटा में पानी, जो स्टील के लोटा खाली नहीं उठता था से डेढ़ किलो के लोटा डेढ़ किलो दूध उसमें अटता था। तो वो जब उठाए ना तो महादेव की दया से हमको पति के उठने लगा। जब उठा लिए लोटा तो कहते हैं धन है मेरी पत्नी से, कितना महादेव में सत है, मगर अब कहीं जाएगा तो मगर हम नहीं रोकेंगे। महादेव वो दिन से जुड़ गए। सब बोला जे ठीक है से ही सब कमजोरी से हो जाता है, तो उनको कहे हम कहीं नहीं कलते थे कनिया थे, मगर महादेव की दया से बोले जे आप कुछ के टेंशन नहीं लीजिएगा, हम हैं पति के भरोसा दिए, महादेव हमको भरोसा दिया, माँ सरस्वती के देन था। आ कनिया थे हमको कोई नहीं लगाता था से देख लीजिए जे कितना महादेव में दया है। तो बोला उनको तो हम मायके गए तो मम्मी से बोले जे मम्मी 10 दिन के दिन पड़ गया है, एक निया पैसा नहीं है, साइकिल भी कसाना है, हम क्या करेंगे मम्मी से कुछ पैसा वैसा दीजिए। तो हमको पप्पा तो डेट करे हुआ है तो हमार मम्मी ना बोलते हैं जे पप्पा कमाई छो जे हम दियो कहाँ से दियो। तैयो 2 दिन रो के कान के उनको मम्मी को घर द्वार नीप दिए, हे महादेव ऐसन विपद किसु के नहीं दीजिएगा, मेरा जे विपद दिए हैं से अभी जे सुख दिए हैं वैसे सबको सुख दीजिएगा हे महादेव। तो हमको घर द्वार नीप दिए मम्मी के, तो 5,000 रुपया दिया। जब आए तो हम अपना गोतनी को पुतो के दे दिए, देख लीजिए जे क्या थी दिक्कत में हम हैं। तब पूरा के गांव बस्ती में जब सोन वर्षा तक भीज गए, गुरु बहिना कन चर्चा कराते थे हम अकेले, तो हुआ गए तो कहले कहें गुरु बहिना जे दीदी आपको बहुत अफसोस में देखते हैं। तो क्या कहें दीदी, देखिए ना हमारा बेटी के 10 दिन को दिन है, पैसा नहीं जुटता है शादी करने के लिए, से कुछ कर्जा चलाइए हम सूद लगा कर देंगे। आप सूद लाए कहते हैं जे ठीक है, कोई 2,000 दिया कोई 1,000 दिए, देने एकदम अथी के लिखे हम जोगा। मराते थे तो जहाँ पूजा करते थे तहाँ भुइयाँ में लौट जाते थे, इतने हमको मुँह से आवाज़ आते थे, हमको सासू माँ झगड़ा कर लिया, गोतनी दियादनी झगड़ा कर लिया जे हमको से पैसा नहीं मांगेगा, देखते हैं जो उसको बेटी के कैसे शादी होता है। बस इतने दिल से पुकार आता था महादेव से, इतना जोर से जो कोई के किसी को बुझाए ना जो विरोधी में है, इतने कहते हैं जे लेते हैं गुरु का नाम रे मन मां, जप लो शिव का नाम सुबरन कर लो महादेव को बनेगा बिगिरा काम रे मन मां, ओही आवेगा काम बनेगा बिगिरा काम रे मन मां, ओही आवेगा काम। इतने कहते हैं भैया, कन्हू से आते हैं महादेव, इतनी मुँह से हमको आवाज़ आता था हे महादेव ऐसा विपद किसु के नहीं, गुरु भाई गुरु बहिना के दीजिएगा हे महादेव। तो इतनी आवाज़ आते थे, आज कही तो फिर बुझाता है जे एक चमेटा मारते थे आ कहते हैं जब फन्ना कन जाइएगा ना तो आपको अभी पैसा मिल जाएगा। फिर हुआ जाते थे तो मम्मी जी प्रणाम, तो ठीक है आपको देखते हैं बहुत महसूस से कन्या, तो हाँ माई जी से देखते हैं बेटी के शादी के दिन पड़ गया है, 10 गो दिन है आ पैसा नहीं पुरता है, मगर महादेव की दया से वो भी माँ बहन दे दिए हमको, डील डोल से हम लड़की को शादी किए। अहिया से हम महादेव के रिंग में हम न को न बेटा न पुतो न कोई नहीं रोकता है, दम महादेव की दया में हम रिंग है बेटा पुतो सब। आ पति हमको मानने लगा, बेटी के अच्छा से खुशी खुशी से शादी कर दिए हे महादेव। जैसे हमको दुख दिया से दुख कोई माँ बहन के नहीं दीजिएगा, जितना हमको सुख है अखनी वही माँ बहन के सुख दीजिएगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान ने की जाए। नहीं राही ससुरा के
हथियाई गाड़ी बनी है शिवा गुर नैराई ससुरा के हथियो गाड़ी बनी है शिवा गुर हम कुछो नहीं जानली हे शिवा गुर हम कुछो नहीं जानली हे शिवा गुर पर्वत के ऊपर चार गो कोठा लिया हे शिवा गुर एगो हमारो के देती हे शिवा गुर एगो हमारो के देती हे शिवा गुर पर्वत के ऊपर चार गो कोठा लिया हे शिशिया एगो दाया के रही सवा हे शिशिया एगो चर्चा के निशानामा हे शिशिया एगो नामा शिवा के ही सवा हे शिशिया नैराही ससुरा के हथियो गरी बनी हे शिवा गुर नैराही